सिंह सर, जयवीर सिंह जी अपना जयवीर सर, जयवीर जैसा मैं अभी सुन रहा हूँ, तो जैसा बहुत स्पष्ट कॉन्सेप्ट है समण संघ में, ना कोई चंदा है, ना कोई पद है, ना कोई माला है, ना कोई मंच है। अब हमें इस चीज से जुड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से चंदा इकट्ठा भी हो रहा है, हमारे बहुत सारे लाखों की संख्या में संगठन बन गए, और संगठन बनने के बाद में मुझे लगता है कि समाज में कोई काम हमारा जो आगे बढ़ना चाहिए था आगे ना बढ़ करके पीछे चले जा रहे हैं हम लोग। जैसे हर क्षेत्र में हम लोगों को नुकसान हो रहा है, अभी हम ले लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसमें भी हम लोगों को हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ बंद हो गई हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें प्राइवेट में चली जा रही हैं। हमारे समाज को एक विशेष, केवल एक निर्धारित मानक के हिसाब से बांध दिया गया है, तो नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, प्रमोशन में आरक्षण हमारा ख़त्म कर दिया गया है, राजनीतिक पदों पर हमारे आंखों के सामने दूसरे समाज के लोग हथियार ले जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे संगठन बनने के बाद भी हम लोग अपने आप को, जो हमारे अधिकार बाबा साहब ने हमें दिलाए थे, उन अधिकारों को हम बचा नहीं पा रहे। तो ये एक इस तरह से हमारे समर संघ को देख करके जैसा हमें लगता है कि क्यों ना हम अपने एक मंच पर आएं और अपने अधिकारों को बचा लें। जिस तरह से सभी लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल 2018 को एक क्रांति आई थी, जिसमें हमारा एक अधिकार, हमारे जो हमारा सुरक्षा कवच था, वो हमारा छिन गया था, लेकिन 2 अप्रैल 2018 को एक क्रांति आई और हम सब लोग सड़कों पर आए, और सड़कों पर आकर के हमने अपने एक अधिकार को बचा लिया। सरकार को उसमें झुकना पड़ा और हमारा वो अधिकार बच गया, हमारा सुरक्षा कवच बच गया। तो इसी आधार पर यदि हम एक जगह जुड़ जाते हैं तो हम अपने अधिकारों को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, कहीं भी यदि हम जुड़ते हैं वहीं हम जीते हैं। यदि हम किसी गांव में जुड़ जाते हैं तो हम प्रधान बन जाते हैं, हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी MLC के लिए, किसी MLA के लिए या किसी MP के लिए यदि हम लोग जुड़ जाते हैं तो आसानी से हम उन पदों को जीत जाते हैं। यानी संख्या बल जिसके साथ है वही आदमी जीत रहा है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा गहराई में जा करके अपने जो साथी हैं उन लोगों को जोड़ना है, उन लोगों को समझाना है कि भाई जुड़ने की जरूरत क्यों है। जैसा इसी में हमारे समर संघ में है, हमारे एडवोकेट्स हैं, यदि कहीं हमारी जरूरत पड़ती है जुडिशियली में तो वो हमारे साथ सुरक्षा कवच की तरह से काम करेंगे, कहीं शिक्षा में जरूरत पड़ती है तो हमारे अध्यापक लोग इसमें जुड़े हैं, वो इसमें काम करेंगे। यानी जिस क्षेत्र में यदि हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे साथी डॉक्टर्स हैं, OPD लगाई जाती है। यदि हमारे समाज में किसी को कोई चिकित्सा के अभाव में, कोई स्वास्थ्य की तरफ से कोई दिक्कत आती है तो उसमें हमारे सभी डॉक्टर्स साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अपने समाज को हम जहाँ भी संभव है उस स्तर पर जाकर के अपने समाज को इकट्ठा होकर के सहयोग करना है, और इस जो हमारे अधिकार घटते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उन अधिकारों को हमें बचाना है। इस साथ अभिमानी को बता दूंगा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत साधु साधु साधु।